असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आप सबका पुनः स्वागत है रामायण की रोचक कथाओं में। हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे एक छोटे से प्रसंग की, एक जीवन की, एक चरित्र की। प्रसंग छोटा इसलिए क्योंकि सब ने सुना हुआ है, परंतु उस प्रसंग से, उस चरित्र से कुछ सीख ऐसी जिससे जीवन के पथ में आने वाले कंटकों का शमन हो सके। हम अपने सामर्थ्य को, अपने मति, अपनी भक्ति और अपनी कृति, अपने बुद्धि, अपने हृदय और अपने शारीरिक सामर्थ्य का, अपने बल का हम पूरा मूल्यांकन नहीं कर पाते, अथवा उसका जो हमारे पास सामर्थ्य है, यदि हमारे पास सामर्थ्य अर्जित किया हुआ भी है तो उसका भी हम सदुपयोग नहीं कर पाते, सेवार्थ, परोपकारार्थ। जैसे हम बात कर रहे थे महावीर हनुमान की, भगवान श्री राम के प्रति उन्होंने अपने जीवन का समर्पण किया, उन्होंने परार्थ, रामार्थ, वानरार्थ और जगत के हितार्थ, उन्होंने अपने बौद्धिक सामर्थ्य को, अपनी भावनाओं को, अपने शारीरिक सामर्थ्य का प्रयोग परोपकार के लिए किया, हित के लिए किया। मैं कल बात कर रहा था कि विद्वत्ता के साथ साथ व्यक्ति में अभिमान, विद्या के साथ साथ व्यक्ति में अहंकार आने की संभावना अधिक हो जाती है। अहंकार सर्वनाश के लिए पर्याप्त है, सर्वनाश के लिए, न मात्र विनाश के लिए। हर प्रकार से विनाश करने के लिए अहंकार एक पर्याप्त साधन है, जो कि किसी योग्यता के साथ सहज ही हमें प्राप्त हो जाता है, उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे तिल से तेल निकालते हैं या सरसों से तेल निकाला जाता है, तो एक तरफ तेल मिल जाता है, दूसरी तरफ सहज ही खल प्राप्त हो जाती है, उसका अन्यत्र प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति के भीतर योग्यता, व्यक्ति के भीतर सामर्थ्य पनपने लगता है, तब उस सामर्थ्य को, किसी ने कहा है कि शक्ति अर्जित करना, शक्तिमान बनना, शक्तिशाली बनना, बलवान बनना कठिन है, बहुत कठिन है। मैंने स्वयं, मेरा वजन लगभग इस हाइट में, जितनी मेरी हाइट है उसके, मेरा 50 केजी रहता था, तो मैंने बड़ा श्रम करके परम पूज्य श्रद्धेय श्री गुरुजी महाराज ने जिस प्रकार से हमें दिशा निर्देश दिए, उस प्रकार से व्यायाम, भोजन आदि करके हमने लगभग 17-18 किलो अपना वजन बढ़ाया। बल को भी प्राप्त करने में सामान्य श्रम आपको नहीं करना पड़ता, आपको विशेष श्रम करना पड़ता है जब आप का शारीरिक सामर्थ्य उतना न हो, यदि आप अर्जित करना चाहते हैं। क्योंकि हमने सामान्य तौर पर तो हम 150 दंड लगाना, दंड बैठक लगाना, कभी कभी 500 दंड बैठक लगा लिए, या सूर्य नमस्कार कर लिया 101 बार, सामान्य, इतना सामान्य है। परंतु जब विशेष हमने पुरुषार्थ किया, सामान्य रूप से भोजन कितना खाते हैं, सामान्य रूप से एक रोटी, हम अपनी बता रहे हैं, एक रोटी, थोड़े से चावल, थोड़ी सी सब्जी, एक दो रोटी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कभी 10 रोटी तो नहीं खाते सामान्य तौर पर। लेकिन जब वजन बढ़ाया तब कभी कभी तो हम भी अभी अचंभित रहते हैं कि इतना भोजन किया कैसे, किया 10-10 रोटियाँ खाना, या 2-2 लीटर दूध पीना। और आप, यदि मैं बोलूँ तो मुझे शर्म आए कि आधा आधा घंटे बैठ करके मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तो उस प्रकार का भोजन और व्यायाम, लगभग 300-300 सूर्य नमस्कार प्रातः काल ही कर देना, और उसके साथ हल्का फुल्का व्यायाम और करना सुबह, फिर शाम को लगभग 2 घंटा पर्याप्त रूप से व्यायामशाला में 2 घंटा व्यतीत करना, और मुझे घुटनों में दंड बैठक, क्योंकि ज़्यादा लगा ली जोश जोश में, तो दंड बैठक लगाते समय घुटनों में इतना दर्द हुआ एक बार कि 7 दिन तक मैं लगातार
पीड़ांतक क्रीम लगा करके अपने घुटनों पर, घुटने से लेकर पिंडली तक मैं पूरे पट्टी लपेट करके 7 दिन, मतलब लगभग 7 दिन लगा मुझे उसको ठीक करने में। तो उतना ज़्यादा श्रम करके थोड़ा सा एक शरीर को थोड़ा बलवान बनाया। तो यदि व्यक्ति शक्ति को अर्जित करने के लिए जितनी मेहनत करता है, तो उसको बरकरार रखने के लिए उसे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो एक तो व्यक्ति अपना कोई किसी भी प्रकार की योग्यता, कोई सामर्थ्य अर्जित कर ले, बहुत बड़ी बात है, उसमें बहुत श्रम लगता है, बहुत श्रम साध्य है। लोग पर्वतारोहण करते हैं, लोग जो है अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं जो जिन्हें खतरनाक माना जाता है, भयावह माना जाता है, कि व्यक्ति दुष्कर कर्म जिन्हें कहा जाता है कि ये कर कैसे गए। जैसे परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी ने अनामित आरोहित दो पर्वत श्रृंखलाएं चढ़ी, जब पूरी डॉक्यूमेंट्री आप लोग भी उसका आनंद ले सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं श्रद्धेय आचार्य श्री जी के चैनल पर, और जिन्होंने देखी होगी वे अचंभित रहेंगे कि उस बर्फीली हवाओं में, उस बर्फ की चद्दरों पर किस प्रकार से चल रहे हैं, कैसे न पीने के लिए पानी की व्यवस्था, क्योंकि बर्फ़ को कैसे पिए, कैसे उससे नित्य कर्म की क्रियाओं को करें प्रतिदिन। तो एक बड़ा बहुत अलग प्रकार का जीवन ही अलग प्रकार का हो जाता है। जो तपस्या करते समय व्यक्ति जब कर रहा होता है उसको पता होता है कि किस प्रकार की चुनौतियां हैं, एक एक कदम बढ़ाना कितना कठिन होता है अपनी यात्रा पर। जो भी कभी श्रम किसी कोई यदि कोई बालक कोई बालिका किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, कोई नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, कोई किसी अन्य परीक्षा में नीट सीए या जेई के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो, तो वो बच्चा जानता है कितना कठिन है उस क्षण अपने आप को संभाल करके रखना और निरंतर एक ही दिशा में अग्रसर होते जाना। वो बहुत कठिन कार्य होता है, परंतु एक बार जब उस बाधा को पार कर गए, हमने शक्ति का अर्जन कर लिया, योग्यता का अर्जन कर लिया, हमने किसी मुकाम पर कोई व्यक्ति पहुंच गया, उसके बाद भी अपने अर्जित सामर्थ्य को किसी और लगाना है, यहाँ भी व्यक्ति भ्रमित होता है। सामर्थ्य बहुत है व्यक्तियों के पास। जो लोग अपने आप जो निराशा के सागर में डूबे रहते हैं, उनका भी सामर्थ्य बहुत अधिक है, उनमें भी कम सामर्थ्य नहीं होता। बहुत सामान्य जो दिनचर्या है या व्यक्ति की जो निरंतर गतिविधि है, जब हमारा जन्म होता है, सबका शरीर का वजन, सबकी कद काठी कुछ माता पिता से मिलती है, परंतु लगभग सब इतना कोई अंतर नहीं होता, परंतु जो जो उम्र बढ़ती जाती है तो व्यक्ति अलग अलग प्रकार की योग्यताओं में कुशलता अर्जित करता है। फिर वो आगे पीछे, कोई आगे है कोई पीछे है, इस तरह की बात फिर आगे चलती रहती है। तो हम हमारे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, हम उसको सेवा में अर्थात या तो स्वयं का विकास करें, स्वयं का विकास इस प्रकार से कि हम किसी तो योग्य बने, हम अपने ही काम आ जाएं, अपना ही भरण पोषण कर लें, हम अपने परिवार के काम आ जाएं अथवा समाज के काम आ जाएं, और इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजर जाएं, अथवा विश्व के लिए हम कल्याणकारी हो जाएं, ये सारे लक्ष्य हो सकते हैं सेवा के। तो किसी चीज़ के लिए हम, यानी अपनी ही शक्ति के माध्यम से हम और अधिक शक्तिमान, और अधिक बलवान, और अधिक मतिमान बनने का प्रयास करें। अथवा जो कुछ है हमारे पास, यदि मुझे पढ़ाना आता है तो मैं और कुछ नहीं करना चाहता, तो पढ़ा ढंग से लूँ, अच्छे से पढ़ा लूँ। यदि मैं किसी विद्या में निपुण हूँ तो उसकी सेवा दे लूँ अपने परिवार के लिए। अपने परिवार में यदि कुछ करना चाहता हूँ, उसकी कीर्ति यश दुनिया में करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कार्य कर लूँ। लेकिन अपने सामर्थ्य को या अथवा अर्जित किए सामर्थ्य को कभी भी, जिसे कहते हैं कि समय की बर्बादी करना, समय का दुरुपयोग करना, उसमें न व्यतीत होने दें। अर्थात सामर्थ्य है व्यक्ति के भीतर, किंतु आलस्य में, प्रमाद में, अथवा निराशा में, अथवा किसी कुंठा में व्यक्ति उसको बर्बाद कर दे, वह ठीक नहीं। भगवान हनुमान बहुत सामर्थ्यवान थे,
परंतु उसके साथ साथ विनयशील थे। विनय ऐसा कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कार्य करने के लिए आतुर हुए, और भगवान श्री राम का ही क्या, उन्होंने सुग्रीव के लिए भी कितना कार्य किया। जब दोनों कुमार अरण्य में आ रहे हैं तो किष्किंधा, हमें किसी को पता नहीं है कि वे किस प्रयोजन से आ रहे हैं। जरा स्थिति सोचिए कि सुग्रीव बाली से इतना डर रहा था कि कितनी दूर जा करके बैठा हुआ था। उसे पता था कि बाली के यदि पकड़ में या उसकी नज़र में वो आ गया तो उसके प्राण उसके शरीर में नहीं रहेंगे, और उसके साथ जितने लोग हैं उनके भी प्राण उनके शरीर में नहीं रहेंगे। तो सुग्रीव ने जब देखा कोई आ रहा है, जब पता चला, तो भगवान महावीर हनुमान तैयार हुए एक दुष्कर कार्य करने के लिए कि चलिए ठीक है, मैं जा करके पता करता हूँ कौन है, कहाँ से आए हैं, कहीं कोई ऐसा प्रयोजन नहीं यदि बाली ने भेजे हों कि जिससे कि सुग्रीव महाराज के प्राणों पर कोई संकट आने पड़े, तो उस संकट के निवारण के लिए वे स्वयं अग्रसर होते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पता लगाते हैं कौन आए हैं, मित्र हैं अथवा शत्रु हैं, बंधु हैं अथवा कुछ विनाश करने आए हैं। तो दोनों प्रकार से वो जा करके पता लगाते हैं सुग्रीव को, फिर आकर के आश्वासन देते हैं, परंतु जब कार्य करने जा रहे हैं तब अकेले ही हैं, उनके साथ कोई नहीं गया, हम सबको विदित है। दूसरे के लिए अपने शक्ति सामर्थ्य को लगा देना। फिर आगे जाते हैं तो भगवान श्री राम का दुष्कर कार्य करते हैं। रामार्थम वानरार्थम वा चिकीर्षण कर्म दुष्करम। भगवान हनुमान ऐसे थे, वे या तो उन्होंने वानरों के लिए कुछ किया अथवा उन्होंने भगवान श्री राम के लिए किया, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी कोई इच्छा नहीं। कौन सी इच्छा हनुमान जी ने पूरी की? वो या तो सुग्रीव की सेवा में रहे अथवा भगवान श्री राम की सेवा में रहे। और ऐसे ऐसे कार्य जिनको सोच करके व्यक्ति अचंभित तो हो जाए, या अकेले किसी दुश्मन के इलाके में जाना, व्यक्ति यदि किसी से मनमुटाव हो जाए या छोटी मोटी बहस हो जाए तब उसके पास जाना उचित नहीं समझता। किसी ऐसे शासक के इलाके में चले जाना जो जिसने पूरी धरती को कंपित किया हो, वहाँ जा कर के भी अपने कार्य की सिद्धि करके पुनः लौट आना। तो अपने सामर्थ्य को यदि किसी के लिए न्यौछावर नहीं करेंगे, किसी के लिए यदि हम कोई लक्ष्य नहीं लेंगे, कोई चुनौती नहीं लेंगे किसी के लिए भी, बहुत अच्छी बात हो यदि हम अपने शक्ति सामर्थ्य को जो हमें प्राप्त है किसी बड़े उद्देश्य के लिए अर्पित करते हैं, बहुत बड़े उद्देश्य के लिए, जिससे, क्योंकि जब बड़े उद्देश्यों के लिए हम अपने जीवन को देते तो छोटे छोटे उद्देश्य उसमें स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। यदि अपने शक्ति सामर्थ्य का उपयोग हम राष्ट्र की सेवा में करें, राष्ट्र के लिए अर्जित करें, तो देखिए एक स्वाभाविक है, कभी कभी हमको हमारा सामर्थ्य भी बढ़ जाता है। हो सकता है भगवान हनुमान ने कभी ये न सोचा हो कि मैं लंका में जाकर के राक्षस राज रावण से भी मैं दो हाथ कर सकता हूँ, शायद कभी न सोचा हो, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सानिध्य से या उनके एक संकल्प में अपने संकल्प का विलय करने से उनका सामर्थ्य बढ़ गया, उनका सामर्थ्य बढ़ा और उन्होंने वो दुष्कर कार्य भी करके दिखाए जिनकी शायद उनको भी कल्पना नहीं थी कभी। तो हमारा सामर्थ्य एक तो बचा रहे, दूसरा वो निरंतर बढ़ता रहे, तीसरा उसका उपयोग, उसका फल इस संसार को भी मिलता रहे, संसार में भी परोपकार होता रहे। तो इससे अच्छा हमारे जीवन का सदुपयोग नहीं हो सकता। और हर कोई व्यक्ति बुराइयों से बचने का प्रयास करता है, यदि गलती से अनजाने में या जानबूझकर यदि कभी किसी अधर्म कार्य में प्रवृत्त हो जाता है, तो हर एक मानव के भीतर उसकी आत्मा में प्रेरणा है। यह बात जो व्यक्ति कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता इस संसार में है या नहीं, आत्मा की सत्ता इस संसार में है या नहीं, उन्हें उस क्षण, जिस क्षण उनके मन में गलत विचार हों, जिस क्षण उनके मन में अधर्म की ओर प्रवृत्त होने की चेष्टाएं हों, यहाँ तक कि दुर्योधन भी यह कहता है, वह भी कितना ही अधर्म में प्रवृत्त हुआ हो, लेकिन अधर्म में प्रवृत्त होते हुए भी उसका यह तो सामर्थ्य न था कि
कि वह उस कार्य को छोड़ दे, क्योंकि वह स्वयं कहता है कि मेरा इस पर कोई वश नहीं है, मैं कितना ही मेरी इच्छा हो मेरी ना हो, वह संगति का भी असर है, क्योंकि वह बचपन से ही मामा शकुनी की संगति में रहा था, तो संगति का भी असर है। यानी पाप कर्म से वह निवृत्त तो नहीं हो सकता था, परंतु जान रहा था कि गलत कर रहा हूँ। तो यह बोध तो परमात्मा ने सबकी आत्मा में दिया हुआ है कि हम क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, इसका बोध सदैव मानव को है। इसमें यदि कोई बहुत ही विक्षिप्त अवस्था में है, मूढ़ अवस्था में है, तो उसकी नहीं कह सकते, परंतु अनुभव तो यही कहता है कि हमें पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो अपने शक्ति सामर्थ्य को जिस प्रकार भगवान हनुमान ने, यदि वह राम कार्य में प्रवृत्त न होते तो शायद आज सारा संसार उनको बल के, शौर्य के, पराक्रम के, विनय के, मति के, आदर्श के रूप में न देख रहा होता। अपने को यदि एक धर्म के कार्य में प्रवृत्त करते हैं हम, तो एक तो हम बुराइयों से बच जाते हैं, हमें पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलना पड़ता। एक नरक की अग्नि कही जाती है, उसमें कहा जाता है कि पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति इस संसार में जिस जिस तरह के कुकर्म करता है या अधर्म के कार्य करता, तो गिनाए हैं कि इस प्रकार का अधर्म कार्य करेगा तो उसको तेल में डुबाया जाएगा, इस प्रकार का अधर्म कार्य करेगा तो उसको लंबे समय तक जो है अग्नि में तपाया जाएगा। तो वहाँ हैं, अब वो कितना सच है या कितना उस पर विश्वास करना चाहिए वह जिसका अनुभव वह जाने, परंतु पश्चाताप की अग्नि में तो इसी समय जलना पड़ता है व्यक्ति को, यदि हम अपने सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं करते। यदि हम जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे कुटुंबी जन हैं, जो जितना अपना कुटुंब समझे, तो उसके लिए यदि हम कुछ नहीं करते, यदि हम अपने जो हमें सामर्थ्य प्राप्त है उसके द्वारा हम अपने भी सामर्थ्य को नहीं बढ़ाते, तो भी हम कहीं ना कहीं ग्लानि, कहीं ना कहीं हमारे भीतर निराशा की भावना घर करने लग जाती है। जब भगवान हनुमान समुद्र पार करके लंका में पहुंचते हैं तो बहुत अन्वेषण करते हैं, बहुत समस्याएं आती हैं उनको वहाँ प्रवेश करने में, परंतु सब समस्याओं के पार जा करके वे प्रवेश कर जाते हैं। परंतु प्रवेश करने के बाद अब इतनी बड़ी लंका, एक देश पूरा, उस पूरे देश में एक नारी को खोजना, आप जरा सोचिए कि कम से कम किसी एक प्रदेश में ले लीजिए आप, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान के कोई प्रदेश मान लीजिए, अब लगभग 1 लाख समय पूर्व की बात है, तो कह नहीं सकते कि उस समय जो लंका थी वो कितना उसका विस्तार था या कितनी बड़ी थी। तो किसी एक प्रदेश में एक नारी को खोजना, जरा आप सोच करके देखिए, उसकी कल्पना करने में भी कितना अजीब लग रहा है कि एक अकेला व्यक्ति, यानी आप किसी की सहायता नहीं ले सकते, आप किसी को अपना परिचय नहीं दे सकते कि मैं कौन हूँ, किस कार्य आया हूँ, और जब आपको यह पता हो कि जहाँ आप जा रहे हैं वे राक्षसी ही हैं। अब विभीषण जैसे धर्मात्मा भी वहाँ थे, हालांकि राक्षस एक प्रजाति ही आप कह सकते हैं, मनुष्य में जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऐसे राक्षसवंशी, वैसे तो रक्ष धातु का अर्थ रक्षति थी, राक्षस यह भी है, तो थोड़ा सा यह भी लगता है कि तो हो सकता उस समय क्या अर्थ रहा हो, कैसे राक्षस रहे हो, बीच में किस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हो कि वे बुरे बन गए। राक्षस शब्द का अर्थ बुरा नहीं, रक्ष धातु से यदि राक्षस बनाए तो उसका अर्थ बुरा नहीं, राक्षस का अर्थ तो देवता भी है कि जो रक्षा करे वह राक्षस। तो हो सकता है किसी कारणवश वे बुरे बन गए हों या जो भी हो, परंतु जिस प्रकार हम राक्षस शब्द का जो अर्थ समझते हैं, उस नगरी में जाना हो जहाँ राक्षस ही रहते हैं, असुर ही रहते हैं, संहार ही करते हैं, जो असुर शब्द का अर्थ भी देवता है, तो उन राक्षसों की नगरी में, उन असुरों की नगरी में, उन पिशाचों की नगरी में जो नरभक्षक हों, खा जाते हों, मनुष्य को ही खा जाए, तो उस वैसे वातावरण में एक योद्धा का जाना, ऊपर से जो जा रहा है वह भी योद्धा, तो आप समझिए यदि कोई योद्धा आ जाए तो उस पर तो सबका संदेह ज़्यादा हो कि भाई यदि ये पकड़ा जाए तब तो उससे पकड़ करके उस पर किस किस तरह के अत्याचार करे जाए। आज भी यदि सीमाओं के पार कोई सैनिक पकड़ा जाए, कोई सामान्य नागरिक पकड़ा जाए, शायद उसके साथ वैसा व्यवहार न हो, यदि कोई सैनिक पकड़ा जाए, कोई सेनापति पकड़ा जाए,
तब उससे किस प्रकार का टॉर्चर, उस पर किस प्रकार की पूछताछ, सब कुछ हो सकता है। तो उस समय भी सब संभव था, यानी किसी से कोई सहायता नहीं लेनी थी। तो लगातार लगे रहे भगवान हनुमान, उन्होंने काफ़ी अन्वेषण किया, काफ़ी खोजा, एक एक कमरे को चेक किया, सब जगह झांक करके देखा। तो उनके जब उन्हें कुछ भी, मतलब उन्हें कोई चिन्ह भी प्राप्त नहीं हुआ माता सीता का, कहीं कोई शब्द भी नहीं सुनाई दिया, क्योंकि रावण ने तो बहुत अशोक वाटिका में बहुत, सबको नहीं हो सकता है कि सबको न पता हो उधर, क्योंकि रावण तो ऐसे कार्य करता ही रहता था, या तो कहीं से भी लूटपाट कर ली या कहीं अपहरण कर लिया, इस तरह के कार्य तो वह करता ही था। तो एक सामान्य बात थी उसमें कि भाई कुछ हो ले आया होगा किसी को उठा करके, तो हो सकता है कहीं चर्चा भी ना हो रही हो माता सीता की। तो उस स्थिति में जब हनुमान जी अन्वेषण कर रहे हैं, तब वो खूब खोज करके थक जाते हैं, और थकने के बाद उन्हें लगता है कि अब माता सीता की प्राप्ति नहीं हो सकती, अब संभव नहीं। अब ऐसी स्थिति में कि मैं यदि वापस लौट करके जाऊं तो क्या होगा, तब भी सुग्रीव ने कहा है कि यदि कार्य पूरा नहीं हुआ तब अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा, तब प्राण नहीं बचे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहीं समाधि लगा करके बैठ जाता हूँ और आमरण अनशन पर बैठ जाता हूँ, जब तक मेरे श्वास चलती रहेंगी तब तक जीवन चलता रहेगा, और फिर जैसे जैसे जठराग्नि बढ़ती जाएगी। जठराग्नि के विषय में कहा जाता है कि जब सबसे पहले वह रोगों को खाती है, रोग जब भस्म हो जाएं उसके बाद वह धातुओं का शमन करना शुरू करती है, जब धातुएं भी शमन हो जाएंगी तब प्राण अंत में बचेंगे। तो ऐसे मेरे प्राण निकल जाएंगे, भगवान हनुमान ने सोच लिया। फिर सोचते सोचते उनके मन में दूसरा आया कि मैं तो यहाँ चलो ठीक है, पर मेरी जो राह देख रहे हैं वे समुद्र के दूसरी पार, जो मेरी राह देख रहे हैं, होगा क्या कि वे सभी वानर, वे भी मेरे कारण से, उनके भी प्राणों की हानि होगी, और क्या होगा, क्योंकि वे भी वापस नहीं लौटेंगे जब तक मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, और क्या होगा कि जब भगवान श्री राम को हमारी कोई सूचना न होगी, तब उनके मन में भी बड़ा कुतूहल रहेगा। तो इन सब विषयों पर विचार करके वो एक समस्या के पार जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मुझे अपना कार्य, मुझे अपना दायित्व नहीं छोड़ना। सामर्थ्य तो है पर थक गए हैं, ठीक है, निराशा आ रही है, ठीक है, परंतु विचार पूर्वक मननशील को मानव कहा है, हमें तो यदि हम मनन ना करें तो हम जीवित नहीं रह सकते इस संसार में। हर क्षण क्षण पर, पग पग पर संदेह है, पग पग पर पता नहीं है सफलता है कि असफलता है, लाभ होगा कि हानि होगी, परंतु मनुष्य का धर्म है चलते रहना। चरैवेति चरैवेति, तो चरैवेति की साधना की प्रेरणा हम इतिहास से लें, इस रामायण की कथा से लें। आगे की चर्चा हम आपसे कल करेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। साथ ही एक छोटा सा संदेश कि जितनी निराशा आए मन में, तो निराशा के पार जाकर के ही आशा की किरण मिलती है। यदि हम निराशा में डूब जाएंगे तब आशा की कोई उम्मीद इस संसार में जीवित नहीं रहेगी।